Children, in today's class, let us start with exercise 2.1, linear equations in one variable from question number 9. Question number 9 is 7x minus 9 is equal to 16. Now what we do? We shift 9 to this side. Minus 9, when you shift to this side, it becomes plus 9. Side changes, sign changes. So we have 7x is equal to 16 plus 9. अब मैंने 9 ही क्यों इस तरफ शिफ्ट किया, ये क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लाइक टर्म्स इकट्ठे करते हैं एक साथ, x वाले टर्म्स एक तरफ और विदाउट x वाले टर्म्स एक तरफ, तो ये x वाला जो था वो इधर रह गया और दूसरे इधर आ गया. सो दिस इम्प्लाइज दैट 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9. 16 प्लस 9 इज 25. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड x, सो वी नीड टू रिमूव दिस. जब ये इस तरफ आएगा, 7 इंटू एक्स है तो इधर आएगा, तो इट बिकम्स 25 अपॉन 7. ठीक है. अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं. LHS क्या है यहाँ पे? 7x माइनस 9. ठीक है. 7x मतलब 7 इंटू एक्स. एक्स क्या है? 25 इंटू 25 अपॉन 7. तो x की जगह हमने लिखा 25 अपॉन 7, फिर माइनस का साइन और फिर ये 9. ठीक है. ये 7 और ये 7 कट जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद 25 माइनस 9. 25 माइनस 9 इज 16, तो एल एच एस आपका आ गया 16 और आर एच एस 16 है ही, तो यहाँ लिखोगे आर एच एस इज 16, तो एल एच एस 16 है, आर एच एस भी 16 है, तो वेरीफाई हो गया. सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड. ठीक है. Right, now we come to the next question. This is 14y minus 8 is equal to 13. इसमें भी y वाली term इधर रह जाएगी और दूसरी वाली हम दूसरे side shift कर लेंगे. So this becomes 13 plus 8. This implies that 14y is equal to 13 plus 8 कितना होता है? 21. ठीक है. 14y मतलब 14 इंटू वाई, तो इसका मतलब 14 को अगर हम रिमूव करेंगे और इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिविजन हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू 21 अपॉन 14. डिविजन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 14 इंटू वाई था, मल्टीप्लिकेशन था, तो जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह इधर डिविजन हो जाएगा, तो हो गया 21 अपॉन 14. ठीक है. अब इसको आप कट कर लो. 7 2s are 14, 7 3s are 21. So this implies that y is equal to 3 upon 2. ठीक है. अब आप verify कर लो यहाँ पे. Verification. LHS क्या है यहाँ पे? ये है 14y minus 8. 14y मतलब 14 into y. Y कितना है? 3 upon 2. माइनस 8. अब आप इसे कट करो. टू वन सा टू, टू सेवन सा 14. तो ये क्या हुआ? 7 इंटू 3 माइनस 8. 7 इंटू 3 इज हाउ मच? इट इज 21 माइनस 8. 21 माइनस 8 इज हाउ मच? 13. आर एच एस भी क्या है? 13. तो यहाँ लिखो आर एच एस is equal to 13. Since LHS is equal to RHS, hence verified. Is this clear? Right. So we wind up here. In the next class, I shall take up 11th and 12th part.